हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक है पिका। पिका एक ईटिंग डिसऑर्डर है और जिसको हम जियोफेसिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर होती है इसी भी सब्सटेंस को चीव करने की, जैसे आइस, क्ले, सोयल पेपर, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको खाने की इच्छा होती है और खाते हैं बंदे। तो कॉमनली कौन खाता है, 18 मंथ से लेकर 2 साल का जो बच्चा होता है वो इनको खाता है। फिर हमारे पास आता है कि जो 2 साल का बच्चा, हम उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है या नहीं। इसको खाने से क्या हो जाता है, स्लो हो जाती है उसकी मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट। फिर आते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या है, अगर वो कंज्यूम कर रहा है एनिमल फीसेस, क्ले, डर्ट, बटन, सैंड, चॉक्स, पेंट्स, डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की, जिंक की और अनदर न्यूट्रिशन की, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो वेट में फ्लक्चुएशन आती है, स्टमक क्रैम्स हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, डेजीनेस होते हैं, मील को स्किप करना शुरू कर देता है, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, मूड जो है वो बार बार चेंज होता रहेगा, वेट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, पेट में डिस्टर्बेंस होने लग जाएगी जैसे डायरिया हो जाता है या पेट बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाएगा, डेजीनेस की बात करें तो मन बहुत ही ज़्यादा खट्टा रहेगा। और ट्रीटमेंट की बात करें तो हम बच्चे को काउंसलिंग प्रोवाइड कराएंगे, उसे बताएंगे कि चीज़ खाने में अच्छी नहीं होती है और सप्लीमेंट देंगे विटामिन्स, जो जिस भी विटामिन की उसकी बॉडी के अंदर कमी है हम उसको अलग से देंगे, टैबलेट्स के फॉर्म में देंगे या फिर ऑरली हम उसे वो चीज़ खिलाएंगे। जैसे विटामिन ई की कमी है तो हम उसे कैरेट्स खिलाएंगे, ऐसे हम विटामिन की कमी पूरी करेंगे। किसी भी बच्चे में अगर इन विटामिन की कमी है, आयरन सप्लीमेंट्स देंगे। फिर आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी के एनीमिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, हार्ड मस्कुलर डेवलप इन एब्डोमेन, लीड पॉइजनिंग हो जाती है, लीड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारी डिजीज कंडीशन अकर हो जाती है, डेंटल में इंजरी हो जाती है। लीड पॉइजनिंग की वजह से डेंजरस तो डिजीज़ है ही, पैरालिसिस भी हो जाता है, फेस का पैरालिसिस हो जाएगा, बॉडी का पैरालिसिस हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।